let's move ahead and understand the analysis of the expenditure method. जो हमने formula derive किया था, वो था GDP ME is equal to PFCE. Remember those four sectors जहाँ पे हमने economy को distribute किया था और उन economy में हमें क्या-क्या डाला था, वो ही उन चारों चीजों को हम add करेंगे. So सबसे पहले PFCE that is personal वाला जो था private final consumption expenditure हम उसे लेंगे plus government final consumption expenditure in a notebook you will write down in full okay over here I have written in I have used an abbreviation but in a notebook you will write it in full plus हम इसमें add करेंगे industries का firms का GDCF और हम इसमें से rest of the world को plus करेंगे net export और net export हम कैसे निकालेंगे export minus import या import minus export do tell me your assignment next यहाँ पे अब PFCE पे क्या आएगा PFCE आपके question में हमेशा दिया हुआ it will always be given in your question पर 1% हम मान लेते हैं कि अगर question में नहीं दिया हुआ है तो how we are going to calculate it Remember, this method is all about the expenditure. हम यहाँ पे saving नहीं लेंगे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? हमें किसी person का income दिया होगा और उसका saving दिया होगा. हमें income पता है और saving पता है. तो हम expenditure निकाल लेंगे. Income में से हम saving deduct कर देंगे और हमारा expenditure आ जाएगा. For example, there is a person जिसकी income 100 रुपए और उसने save किया 20 रुपीस. तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ उसका गुड 80 तो हमारा PFCE अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम इसे इस तरीके से निकाल लेंगे हमेशा ये क्वेश्चन में दिया रहता है ओके नेक्स्ट टर्म इज GFCE इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे इसमें हम वो सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड करेंगे जो गवर्नमेंट करती है गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बनाया हम उसे इंक्लूड करेंगे गवर्नमेंट ने स्कूल्स बनाए हम उसे इंक्लूड करेंगे गवर्नमेंट ने किसी चैरिटी पे दिया हम उसे इंक्लूड करेंगे ऑल द एक्सपेंडिचर दैट इज इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट वी विल टेक इट ठीक है तो ये भी क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहता है और अगर नहीं दिया रहेगा तो आप क्या करोगे क्वेश्चन पे जहां जहां पे भी आपको एक्सपेंस दिख रहा है कि ये गवर्नमेंट ने किया है आप उन सबको ऐड कर लोगे नेक्स्ट हम GDCF इज एन इम्पोर्टेंट टर्म आई हैव टोल्ड यू लास्ट वीडियो आल्सो इसे हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट टर्म दैट इज नेट एक्सपोर्ट नेट एक्सपोर्ट हम कैसे निकालेंगे नेट एक्सपोर्ट हम निकालेंगे x माइनस m यहाँ पे अगर नेट इम्पोर्ट है तो नेट इम्पोर्ट को हम क्या करेंगे अगर यहाँ पे नेट इम्पोर्ट दिया है एक्सपोर्ट की जगह अगर इम्पोर्ट दिया है तो हम उस टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल सब्ट्रैक्ट नेट इंपोर्ट टर्म ओके वी विल नॉट ऐड अगर नेट एक्सपोर्ट दिया है तब हम ऐड करेंगे और अगर नेट इंपोर्ट दिया है तो हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे नेक्स्ट इज GDCF ये वाला GDCF यहाँ पे इसका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एक नाम है दूसरा नाम है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और कभी कभी क्वेश्चन में ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के नाम से भी आता है अब फर्म देखो फर्म हमेशा दो तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हैं एक होता है फिक्स जो लॉन्ग रन होता है दूसरा होता है शॉर्ट ध्यान से समझो कोई भी फर्म हमेशा दो तरीके का इन्वेस्टमेंट करेगी लॉन्ग रन और शॉर्ट रन लॉन्ग रन को हम फिक्स इन्वेस्टमेंट कहते हैं जैसे उसकी बिल्डिंग्स हो गई मशीन्स हो गई ओके इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट जो होता है वो उसका रॉ मटेरियल हो गया उसका इन्वेंटरी इन्वेंटरी हम कैसे निकालेंगे ये हमने वैल्यू एडेड मेथड पे भी पढ़ा है इन्वेंटरी इज चेंज इन स्टॉक तो कैसे निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक तो हमारा इन्वेंटरी निकल जाएगा इसकी कहानी यहाँ पे खत्म हो गई वापस आओ फिक्स्ड वाला तीन तरीके से डिवाइड होता है फर्स्ट इज बिजनेस इन्वेस्टमेंट सेकेंड रेसिडेंशियल और थर्ड पब्लिक जब भी बिजनेस इन तीनों पे इन्वेस्ट करेगा या तो वो अपने बिजनेस में रहेगा या वो फ्लैट्स में लाके बेचेगा या अपने ऑफिसर्स के रहने के लिए जगह प्रोवाइड करेगा या वो पब्लिक में इन्वेस्ट करेगा तो ये तीनों उसके लॉन्ग टर्म
इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अगर आपसे थ्योरी में पूछा गया GDCF, तो आप इतनी कहानी लिखोगे, क्या लिखोगे? GDCF का फुल फॉर्म, उसके दो और नाम, उसको आप कहाँ कहाँ कैटेगराइज करते हैं, इसको कैसे निकालते हैं, और GDCF के बाकी के तीन फॉर्मूले क्या है, इसको आप कैलकुलेट करोगे। लिटिल ट्रिक, ओके, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है आपको निकालना है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है, पर इसे हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट, क्यों? क्योंकि हमें तो ग्रॉस चाहिए और कन्वर्जन हमें पढ़ रखा है, तो जब हम नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, NDCF में हम क्या ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन, है ना, और हमें क्या मिल जाएगा हमारा GDCF। अब मान लो हमें GDCF कैलकुलेट करना है और हमें नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, अब हम क्या करेंगे, इसमें NDFCF में हम इन्वेंट्री को ऐड कर देंगे और अब डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा हमारा GDCF। ये छोटे छोटे से ट्रिक्स है जो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही आएंगे। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट, द स्मॉलेस्ट एंड टाइनीस्ट ऑफ डाउट, बी देयर इन द डाउट सेशन, अदरवाइज डू राइट, नो क्वेरी मैम। टिल देन टेक केयर।